कि अमेजिंग से पराठे मैंने किस चीज़ के बनाए हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप मेरा ये फुल वीडियो वॉच करेंगे। तो और इसके साथ ना मेरी कुछ मेमोरीज़ भी जुड़ी हुई हैं, मतलब वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, वो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी। तो ये आज मैं आपको दो तरीके के पराठे बनाने को बताने वाली हूँ। पहला पराठा जो हमने बनाया है वो हमने मूली से बनाया है। मूली का पराठा मतलब कॉमन पराठा होता है जो कि जनरली लोग घर में बनाते हैं। तो इसके लिए हमने पहले मूली को पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, जिससे हम चाय के लिए अदरक ग्रेट करते हैं ना, बस उसी वाले से। तो मूली को हमने ग्रेट करके छोटे मतलब एकदम पतले फॉर्म में रख लिया है अलग। और दूसरे वाले पराठे के लिए हमने प्याज कट करा है। प्याज को बहुत बारीक कट करना है, मतलब चूँकि इसको पराठे के अंदर स्टफ़ करना है तो आप समझ सकते हैं कि आपको उसको कितना ही बारीक कट करना होगा। तो आप अपने बेस्ट वे में इसे मतलब आप जितना बारीक कट कर सकते हैं आप उतना बारीक इसे कट कर लीजिए। और ऐसे मतलब पूरे प्याज को कट कर लेना है। ये मैं जो बना रही थी मतलब इस एक प्याज एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसे चार पराठे का स्टफिंग कम्प्लीटली बना था। अगर आपको पराठे ज़्यादा बनाने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। और टमाटर को भी सिमिलरली हमें मतलब एकदम महीन ही चॉप करना है। तो आप देख मतलब आप अपने तरीके से मतलब जितना बेस्ट वे में कर सकते हैं आप उतना बेस्ट तरीके से इसे अच्छे से चॉप कर लीजिए। और बस इसके बाद फिर हमें आटा लगा लेना होता है। तो ये हमने मूली के पराठे के लिए वाले थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के मूली की हेल्प से हमें इस आटे को अच्छे से बाइंड कर लेना होता है। और जब हमारे आटे मतलब अच्छे से बाइंड हो जाएं तो बस इन्हें हाथ के उंगली वाले पोर्शन से थोड़ा सा अच्छे से मैश करके मतलब इसको अच्छे से गूंद लेना होता है। और फिर दूसरे वाले आटे को जैसे हम रोटी का सिंपल आटा बनाते हैं ना, मतलब जैसे रोटी के लिए हमें एकदम सिंपल बिना कुछ मिक्स किए एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा लगा लेना है। मतलब उस आटे में हमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है और बस इसको गूंद के एकदम सॉफ्ट बना लेना है। तो हमारे दोनों आटे एकदम अच्छे से बन के तैयार हैं। और इसके बाद हमने वो जो टमाटर और प्याज कट करके रखा था उसमें थोड़ी धनिया, थोड़ी मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा नमक ऐड करके इसको मिक्स करके मतलब सब कुछ अच्छे से मिला लिया है। और मिला के इसका एक अलग स्टफिंग मटेरियल बना के साइड में रख दिया है। और जब हमारा ये मटेरियल हो गया फिर इसके बाद हमने पहले जो हमने मूली के पराठे बनाए ना, पहले हम ये पराठे बनाते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जैसे हमें रोटियां बनाते हैं ना वैसे ही पराठों को बेल लेना है। अगर आप चाहें तो जैसे ट्रायंगल शेप में पराठे बनते हैं ना वैसे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैंने जनरली जैसे रोटी बनाते हैं ना वैसे ही बनाया है। और इसको सूखे आटे की हेल्प से बेल के फिर इसको तवे पे डाला। तवे पे डालने के बाद जब एक तरफ ये हो जाता है तो थोड़ा सा घी लगा के इसको पलट दिया और दूसरी तरफ भी फिर मैंने घी लगा दिया। आप चाहें तो घी की जगह पर कोई और एडिबल ऑयल जैसे आप रिफाइंड ऑयल या कोई भी जो आप अपने घर में यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। और ऐसे ही वन बाय वन करके मैंने अपने सारे पराठों को मतलब कि पहले बेल लिया सूखा आटा लगा के, मतलब अच्छे से रोल किया। और रोल करने के बाद फिर इसको तवे पे डाल के देसी घी की हेल्प से, बहुत हल्का देसी घी मैंने यूज़ किया। आप चाहें तो थोड़ा देसी घी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये टोटली मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चूँकि मैं मतलब थोड़ा सा मैं अपने हेल्थ पर्सपेक्टिव से इसे अपने अकॉर्डिंग ही बना रही थी। तो ऐसे वन बाय वन करके मतलब मैंने जितना आटा गून के रखा था उस सबके मैं सबके पराठे मैंने वन बाय वन करके बना लिए। तो अब ये पराठे मेरे बन के तैयार हैं। अब दूसरे पराठे के लिए हमें दो सिंपल रोटियां बेलनी होंगी, मतलब बहुत पतली रोटियां बेलनी होंगी। जनरली जब हम रोटी बनाते हैं ना उससे भी थोड़ी पतली, इसको बड़ा बनाना है। और बस वैसे सूखे आटे की हेल्प से इसको पतली रोटी बनानी है, दो रोटियां बनानी है। आप देख पा रहे होंगे ना मेरी फिंगर एकदम अच्छे से ड्रॉ हो रही है ऊपर। और पहले एक रोटी रखनी है, उस रोटी के ऊपर हमें ये टमाटर और प्याज वाला मिक्सचर अच्छे से फैलाना है। मतलब ये जो स्टफिंग मटेरियल हमने बना के रखा है ना इसे अच्छे से फैलाना है। मतलब कॉर्नर्स पे थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि कॉर्नर पे ये हम दूसरी रोटी डालेंगे। और जैसे गुजिया को हम ऐसे साइड में ऐसे ऐसे चिपकाते हैं ना, बस वैसे ही आप चाहें तो इसे ऐसे दोनों तरफ पकड़ के चिपका दें या ऐसे एक फिंगर से, क्योंकि ऐसे एक फिंगर से चिपकाएंगे तो हो सकता है फिर आपको निकालने में दिक्कत हो। तो ये इस तरीके से आप इसको अच्छे से चिपका दीजिए और बस तवे पे डाल दीजिए और वेट करना है एक तरफ सिकने का। जब एक तरफ हमारा सिक जाता है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा घी लगाते हैं। और जब घी लगा के एक तरफ हमारा हो जाता है तो दूसरी तरफ भी बस ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं, मतलब कि पलटते हैं। पलटने के बाद दूसरी तरफ भी हम घी लगा देते हैं।
और इसमें भी मैंने घी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो इससे थोड़ा ज़्यादा घी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पराठे वगैरह में लोग जनरली कर लेते हैं। और ये यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डैमेज हो गया था ना, ये वाले पराठे ना इतने अच्छे फूलते हैं ना, क्योंकि ये जब फूलेंगे नहीं ना तो अंदर का, क्योंकि जब इनर लेयर में गैस वैक्यूम बनेगा तभी तो वो अंदर का जो मटेरियल होगा वो थोड़ा पकेगा, तो वो वाला में थोड़ा डैमेज हो गया था। नहीं, उसके बाद के मैंने जितने भी पराठे बनाए थे वो एकदम अमेजिंगली, मतलब बहुत अच्छे फूल रहे थे। और सच में ये पराठे ना सुपर टेस्टी होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसे पराठा बनाते हैं कि नहीं, लेकिन ये पराठा मैंने बचपन में बहुत खाया है। मतलब बचपन में मेरी मम्मा को जिस दिन कुछ नहीं समझ में आता था उस दिन वो यही बना के, मतलब कि पहली बात तो उनको पूजा करते इतना टाइम लग जाता था कि वो हमेशा उनका टिफ़िन बनाने के टाइम में हॉचपॉच हुआ करता था, तो बस फटाफट वो ऐसे ही, मतलब प्याज तो हमारे घर में यूज़ होता नहीं था, टमाटर वगैरह और थोड़ी और भी वेजीज जो भी होती थी फटाफट फटाफट कट करती थी वो, कभी कभी कट ना कर पाए तो उसे क्रश कर लेती थी और बस उसी से बना देती थी ऐसा अमेजिंग सा पराठा। और इस पराठे की लूट मेरे फ्रेंड सर्कल में इतनी होती थी, मतलब कि हम जब सब साथ में बैठ के लंच किया करते थे ना तो सबको चाहिए होता था कि भाई तुम्हारा पराठा तो बहुत ही, मतलब मेरा पराठा मुझे ही, दो पराठे में मुझे हाफ मिलता था, कभी हाफ से भी कम मिलता था। तो आप एक बार ये पराठा बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, सच में ये बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब ये नाश्ते के रूप में आप बनाइए या आप लंच के रूप में बनाइए या डिनर फॉर्म में भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये ईजी भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है। तो ऐसे ही मैंने अपने सारे पराठों पे, मतलब कि सबको ऐसा दो रोटियां बनाई हैं, दो रोटियां मतलब बहुत पतली रोटियां बनाई थी मैंने और उसमें बस स्टफिंग एक पे भरा और दूसरे को उससे ऊपर से अच्छे से चिपका के बस फिर हमने तवे पे डाला। तवे पे डालने के बाद एक तरफ थोड़ा वेट करा सिकने का, जब एक तरफ हमारा अच्छे से सिक जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं और जब एक तरफ अच्छे से घी लग जाता है तो फिर हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं और फिर दूसरी तरफ भी अच्छे से घी लगा के दोनों तरफ अच्छे से पराठे सेक लेते हैं। मतलब जैसे जनरल पराठे हम सेकते हैं बस वैसे ही, कुछ अलग नहीं करना, बस स्टफिंग वाला मटेरियल थोड़ा अच्छा सा रिच सा बनाना है, बस बहुत अमेजिंग पराठे बन के तैयार होंगे। और सच में बस एक बार आप ये पराठे बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और बच्चों, मतलब बच्चों को, मुझे पर्सनली याद है कि मुझे तो ये बहुत पसंद हुआ करता था, तो आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी, क्योंकि आजकल के बच्चों का डेली का नाटक होता है ना कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और स्कूल में तो ऐसा कुछ अनहेल्दी सा ले भी नहीं जा सकते, आजकल के स्कूल में तो चेक भी होता है भाई आप टिफ़िन क्या लाए हो, कुछ अनहेल्दी तो नहीं है टाइप का, तो बस ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। आप एक बार अपने बच्चों में, मतलब बच्चों को ये खिलाइएगा फिर उनकी रोज़ की यही डिमांड होगी कि हमें यही चाहिए टिफ़िन में। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये पराठे बना के जब आप ट्राई करिएगा तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और कैसे लगे आपके पराठे, ये पर आपके द्वारा बनाए हुए ये पराठे आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, और या जिसने भी खाया उसे कैसे लगे आप ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये दोनों ही पराठे बहुत ही अमेजिंगली बने थे, आप इसको चाहें तो कोई आलू की सब्जी बना लें सूखी, या सॉस के साथ या अचार के साथ, ये रेड वाले जो वो होते हैं ना भरवा अचार, उसके साथ तो ये बहुत अमेजिंग लगता है, या नॉर्मल सिंपल आप चिली सॉस या टोमेटो सॉस के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग पराठे होते हैं, तो खाएं पिए इंजॉय करें और